हेलो माय ऑल ब्यूटीज। सो आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं एक नेचुरल मेकअप। गाइज, शादियों का सीज़न आ रहा है और अगर आपको बिल्कुल भी मेकअप नहीं आता बट गाइज आप चाहते हैं मेकअप करना, तो आज मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सा मेकअप लुक बताया है जिसमें आप बहुत इजीली आराम से खुद का मेकअप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइज, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज़ आपको गाइड की है कि आप कब क्या लगाएं। और अगर आपको आई मेकअप नहीं आता, बाकी सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो वो भी आपको गाइड मिल जाने वाली है। बेस आप कैसे प्रिपेयर करें, मेकअप आपका केकी ना लगे, बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन आपका हैवी ना लगे, उसके लिए भी मैंने कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आप खुद से बहुत आसानी से अपना पार्टी शादी के लिए मेकअप कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी मैंने मेकअप नहीं बताया है, बहुत ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली मैंने इस मेकअप ट्यूटोरियल को रखा है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अगर आपने कभी भी मेकअप ब्रश तक नहीं पकड़ा है तो गाइस आज आप मेकअप करना सीख जाओगे, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे आपको सिखाऊंगी कि आप मेकअप को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक रूल होता है गाइस मेकअप को करने से पहले आपकी स्किन का प्रेप होना, मतलब कि आपकी स्किन क्लीनिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये तीनों चीज़ें हो जानी चाहिए। तो गाइस आप इसके लिए सिंपल फेस वॉश कीजिए, देन आप गुलाब जल लगाइए और उसके बाद आप अपना कोई सा भी फेवरेट मॉइस्चराइजर लगाइए। तो गाइस मैंने फेस वॉश कर रखा है एंड गुलाब जल से अपने चेहरे को एक बार वाइप भी कर रखा है। नाउ गाइस अब मैं आपके सामने मॉइस्चराइजर से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, तो आपकी स्किन का प्रेप होना जरूरी है, मॉइस्चराइजर आप कोई सा भी लगा सकते हैं। एंड गाइस मेकअप में आपकी स्किन में अच्छे से मॉइस्चराइजेशन होना चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई रहेगी तो जैसे ही आप फाउंडेशन वगैरह लगाओगे या कोई भी बेस जैसे लगाओगे, वो ना केकी लगने लगेगा, उसमें से फ्लेक्स दिखने लगेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से हम मॉइस्चराइजेशन करते हैं अपने फेस का। तो मैं ले रही हूँ गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। ठीक है, आप अपनी स्किन टाइप का कोई सा भी मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। सो नाउ गाइस हमने मॉइस्चराइजेशन कर लिया है। अब क्योंकि मैंने एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज किया था मेरी स्किन टाइप के लिए, तो मैं यहाँ पे गाइस एक सीरम यूज कर रही हूँ, क्योंकि अभी क्या है विंटर का टाइम है तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही मॉइस्चराइजेशन की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे सीरम यूज कर रही हूँ। सीरम जब भी यूज करना होता है गाइस उसको अच्छे से शेक करना होता है, तो मैं यहाँ पे NY Bay का यूज कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का सीरम यूज कर सकते हैं, ये ना आपके मेकअप को बहुत ही ज्यादा ग्लॉसी लुक देता है। तो बहुत ज्यादा नहीं बट हम सीरम यूज करेंगे। सो नाउ सीरम का एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हमारी स्किन पे हो चुका है गाइस। देखा जाए तो कायदे से अब हमारा मेकअप स्टार्ट होगा, अभी तक हमारी स्किन की प्रिपरेशन हो रही थी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मेकअप का पहला स्टेप जो कि है गाइस प्राइमर। प्राइमर के लिए बहुत सारे अच्छे प्राइमर मार्केट में है गाइस, आप कोई सा भी प्राइमर जरूर यूज कीजिए। नहीं है प्राइमर तो आप सिंपल एलोवेरा जेल यूज कर लीजिए। ठीक है गाइस, क्या होता है कि प्राइमर अगर आप नहीं लगाते हैं और डायरेक्ट मेकअप अपनी स्किन पे डालते हैं तो आपके जो पोर्स होते हैं ना वो चोक्ड हो जाते हैं और आपको एक्ने पिंपल्स आते हैं। प्राइमर एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देता है, एक सपल सरफेस दे देता है मेकअप के लिए, और साथ ही साथ गाइस ये एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह भी वर्क करता है। तो मेकअप का जो पहला स्टेप है वो है गाइस प्राइमर। नाउ अब शुरू करते हैं प्राइमर का एप्लीकेशन। प्राइमर के लिए मैंने मार्केट का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल प्राइमर लिया है जो कि है इनसाइट का। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत अमेजिंग तरीके से ये आपकी स्किन को, और ये बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में लगता है गाइज, इसको बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फटाफट से प्राइमर अप्लाई कर लेंगे गाइज। जब भी आप लेयर किया कीजिए, लाइक पहले आपका मॉइस्चराइजेशन देन आपका प्राइमर, इन सब में थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइमर लगाने के बाद हम अपनी स्किन को प्राइमर पे, मतलब प्राइमर को सेट होने के लिए अपनी स्किन पे छोड़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्राइमर लगाना है गाइस, जहां जहां आपको लगता है कि ओपन पोर्स है वहां थोड़ा सा अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि ये ना अच्छे से एक कैनवास देता है मेकअप के लिए। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे प्राइमर की बारी, नॉट प्राइमर, इसके बाद आती है हमारी गाइस फाउंडेशन की बारी। प्राइमर को हम अच्छे से सेट करते हैं पहले और कुछ सेकंड के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, अब प्राइमर गाइस रब नहीं करना होता है, प्राइमर का एप्लीकेशन आपको एक लेयर बनानी होती है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन हमेशा इस तरह से किया कीजिए। तो अच्छे से प्राइमर हम सेट कर लेंगे। सो नाउ गाइस बहुत अच्छे से हमारा प्राइमर सेट हो गया है, और प्राइमर गाइस आपको नेक वगैरह पे भी लगाना है। ठीक है, कोई भी चीज आपको सिर्फ फेस पे नहीं छोड़ देनी है लगा के, आपको नेक वगैरह और एयर वगैरह भी कवर करने हैं। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे प्राइमर सेट कर लिया है। नाउ गाइज इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन गाइज मैं लूंगी अपने एग्जैक्ट स्किन शेड का, ठीक है। फाउंडेशन बहुत ज्यादा डल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए। तो अब बारी आती है आपके नेक्स्ट स्टेप की, जो की है गाइज फाउंडेशन। सो फाउंडेशन के लिए हमने लिया है पैक का ये फाउंडेशन। इसको बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में लेना है गाइज, बहुत कम क्वांटिटी चाहिए, बहुत ज्यादा फाउंडेशन आपको नहीं यूज करना होता है। नाउ गाइज अब आपको इसको ना डॉट डॉट फॉर्म में अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है। इस चीज का ध्यान रखिए गाइज कि बहुत ज्यादा कहीं पर ना लगे, ताकि ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा ईजी हो, ठीक है। क्योंकि ये अगर इवन रहेगा तभी आपका जो चेहरा है और आपका मेकअप है वो परफेक्ट लगेगा। तो हम बहुत अच्छे से डॉट डॉट फॉर्म में इसको करते हैं अप्लाई। और अब इसको ब्लेंड करने के लिए गाइज आपको ब्लेंडर यूज करना है या ब्रश यूज करना है। मेक श्योर कि आपका जो ब्लेंडर है वो बहुत अच्छे से आपको पानी में अच्छे से गाइज डिप कर लेना है, देन आपको ब्लेंडिंग करनी है। और इसको ना यू रब करके नहीं करना होता ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग आपको हमेशा इस तरह से करनी होती है, प्रेस करते हुए, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हम करेंगे अपनी ब्लेंडिंग। इस पे आपको सबसे ज्यादा टाइम देना होता है, रीजन इज कि अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हुई गाइज तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से टाइम देके ब्लेंडिंग करनी है। तो इसको आपको कंप्लीट 1 से 2 मिनट देना होगा फॉर ब्लेंडिंग। सो देखिए हमने बहुत अच्छे से फाउंडेशन यूज कर लिया है। नेक्स्ट बारी आती है गाइस कंसीलर की। कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर। फटाफट से इसको अप्लाई करते हैं गाइस। मैं सिंपली यहाँ और आंखों के नीचे कंसीलिंग करूंगी। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे गाइस, और इसको इमीडिएट गाइस हमें तुरंत कॉम्पैक्ट पाउडर से या बनाना पाउडर से सेट करना होता है। तो गाइस मैं ये वाला पाउडर ले रही हूँ इसको सेट करने के लिए। ये वेट एंड वाइल्ड का है, आप कोई सा पाउडर ले सकते हैं गाइस, कोई सा भी कॉम्पैक्ट ले सकते हैं इसको सेट करने के लिए। बनाना पाउडर भी ले सकते हैं इसको सेट करने के लिए। तो इमीडिएट इसको सेट करना होता है, नहीं तो ये क्रीज कर जाता है, ठीक है, फिर यही आपका अच्छा नहीं लगता। तो फटाफट से इसको ब्लेंड करेंगे और हम करेंगे इसको सेट। इसको सेट करने के लिए मैंने गाइस एक कंसीलर ब्रश लिया है, और इससे मैं बहुत अच्छे से इसको सेट करूंगी। ओके, तो हमने गाइस कंसीलर वगैरह बहुत अच्छे से सेट कर लिया है। अब बेस को हम यहीं पर छोड़ देंगे और बढ़ चलेंगे गाइस अपने आई मेकअप की तरफ। तो आई मेकअप में गाइस कंसीलिंग का पार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम करेंगे आई शेडो, देन गाइस हम रेस्ट पार्ट करेंगे। तो आई शेडो के लिए आप कोई सा भी पैलेट ले लीजिए, और बहुत ज्यादा इजी मैं आई मेकअप आपको बताने वाली हूँ। सो आई मेकअप के लिए मैंने नायका का ये वाला पैलेट लिया है। और सबसे पहले गाइस हम अपना बेस, आई का बेस तैयार करेंगे, जिसके लिए हम एक ट्रांजिशन कलर लेंगे। और ये वाला ट्रांजिशन कलर मैं ले रही हूँ गाइस, देखिए ये वाला कलर मैंने लिया है। और इससे बहुत अच्छे से हम एक प्लफी ब्रश से अच्छे से हम ट्रांजिशन कलर डिपॉजिट करेंगे। बस गाइस आपको सिंपल इस तरह से बैक एंड फोर्थ मोशन में इस तरह से अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, और सेम हम दूसरी आई में भी कर लेंगे। ओके, तो दोनों आंखों में गाइस ट्रांजिशन कलर हो चुका है। नेक्स्ट गाइस अगर आपको नहीं आता आई मेकअप तो आपको क्या करना है, जो सा भी आपने ट्रांजिशन कलर लिया है उससे थोड़ा सा डार्कर शेड लेना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला डार्कर शेड ले रही हूँ, और आपको अपनी क्रीज लाइन पे इसको पहले क्रीज लाइन पे अप्लाई करना है, देन अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। देखिए आई मेकअप का जो पहला आखिरी रूल होता है वो होता है ब्लेंडिंग। अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से है तो आपका आई मेकअप भी अच्छा लगेगा। नाउ गाइस क्रीज लाइन पे हम पहले शुरू करेंगे, देन इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो हम क्रीज लाइन पे ही पहले फोकस कर रहे हैं और अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहे हैं। सेम हम दूसरी आईज में भी करेंगे, ठीक है। और अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग होगी तो क्रीज आपका डिफाइन लगेगा और आपका ट्रांजिशन कलर अलग लगेगा, मतलब वो दोनों ही ब्लेंड लगेंगे, ठीक है, और पता चलेगा कि कहां से आपकी क्रीज है। दोनों आईज में अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया। नाउ गाइस थोड़ा सा डार्कर शेड लेंगे और अपने आउटर वी वाले एरिया पे इसको डिपॉजिट करेंगे, देन ब्लेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको रखना है, देन इस तरह से करना है, ठीक है। इस तरह से आपको पहले इस तरह से करना है, देन आपको बैक एंड फोर्थ मोशन करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ पर कलर डिपॉजिट करेंगे, देन बैक एंड फोर्थ मोशन करते हुए ब्लेंड करेंगे। बैक एंड फोर्थ मोशन करते हुए ब्लेंड करेंगे, ठीक है। नाउ दस, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से ब्लेंड हो जानी चाहिए। हम सेम चीज दूसरी आंख में भी कर लेंगे। सो
सो देखिए विद इन अ फ्यू मिनट हमने कितने अच्छे से यहाँ पर दोनों आईज में बहुत ही परफेक्ट ऐसा लगता है कि हमें आई मेकअप आता है। ठीक है नाउ गाइज यहाँ तक काम खत्म हो गया। उसके बाद आपको कोई भी शिमरी शेड लेना है लाइक सिल्वर ले लीजिए, गोल्डन ले लीजिए, रोज गोल्ड ले लीजिए। ठीक है तो मैं यहाँ पे गाइज गोल्डन कलर ले रही हूँ, इट्स नॉट प्योर गोल्डन, ठीक है इट्स कॉपरिस गोल्डन। और हमें इसको गाइज फिंगर से ही इसको यूज कीजिए, जितने भी शिमरी कलर होते हैं ना वो फिंगर से ज्यादा अच्छे सेट। अब आपको इसको क्या करना है, लिड वाले एरिया में, बीच के एरिया में, यहाँ पर लिड वाले एरिया में ओनली बीच में इसको लगाना है। देखिए हाथ से मैं गाइज यहाँ पे आपको करके बता रही हूँ। ना देखिए आपको यहाँ पर ऐसे करते हुए ना आगे की साइड में हल्का हल्का सा आना है। ठीक है गाइज वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस वाले एरिया में आपको ये शिपर वाला शेड रखना है, ऊपर नहीं जाना गाइज नीचे ही रखना है। ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नाउ गाइस देखिए अब सेम चीज हम दूसरी आईज में भी कर लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है बट ऐसा कोई करेक्शन का है नहीं गाइस, वो स्किन ही है जो इस तरह से आपको दिख रही है। ठीक है अब ये 2 मिनट में गाइस सेट हो जाएगा। सो नाउ देखिए कितनी परफेक्टली गाइस हमने आई शेडो कर लिया है। नाउ अब बारी आती है गाइस ब्रोज पार्ट की, तो पहले ब्रोज कर लेते हैं देन गाइस हम काजल एंड मस्कारा एंड आईलाइनर यूज करते हैं। सो गाइज ब्रोज पार्ट के लिए आप ब्रो पेंसिल ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्राउन कलर ले रही हूँ गाइज पैलेट से, एंड इस तरह का मैंने ब्रश लिया है और इसी से मैं अपनी ब्रोज का पार्ट करूंगी। देखिए गाइज आपको ना इसको बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना होता है, ओनली नेचुरल वे में इसको करना होता है, तो फटाफट से हम इसको भी करेंगे। सो नाउ गाइस मैंने ब्रोज का पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। देखिए ये थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, मैंने नेचुरल करने की कोशिश की है। अब जब आपका मेकअप आएगा, लिपस्टिक वगैरह आएगा ना, तो ये बहुत ज्यादा सटल और माइल्ड हो जाएगा। ठीक है तो ब्रोज का पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ गाइस अब हम लगाएंगे आईलाइनर देन मस्कारा देन काजल। सो आईलाइनर के लिए मैंने गाइस फेसेस कनाडा का आईलाइनर लिया है, ये बहुत ही ज्यादा पतली विंग के लिए है, तो इसको गाइस मैं ऑफ कैमरा ही अप्लाई करूंगी क्योंकि इस वाले मिरर कैमरा से अप्लाई नहीं होगी। बहुत ही ज्यादा इजी वे में लगाइए, अगर आप नहीं लगाना चाह पा रहे हैं तो गाइस इस समय ना आईलाइनर का इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है, डायरेक्ट मस्कारा एंड काजल के साथ भी आप आराम से रेडी हो सकते हैं क्योंकि इस समय ना आपका आईलाइनर बहुत कम यूज हो रहा है। बट मैं यहाँ पे गाइस आपको लगाऊंगी और लगा के दिखाती हूँ। तो गाइस मैंने बहुत पतला सा विंग आईलाइनर लगाया है। नाउ नेक्स्ट इज कोलोसल मस्कारा, ये गाइस मैबलिन का है और ये बहुत अच्छे से ना आपकी लैशेस को बहुत अच्छे से वॉल्यूम देता है, तो हम लगाएंगे मस्कारा। और मस्कारा गाइस आपको हमेशा इस तरह से लगाना होता है, मतलब कि नीचे देखना है और लैशेस को ऊपर की तरफ इस तरह से करते जाना है, तो आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको करना होता है नहीं तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ठीक है तो इसको अच्छे से लगाते हैं हम। सो मस्कारा लगाते ही देखिए आपकी आईज बड़ी बड़ी लगने लगती है। ठीक है उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे ले रही हूँ फेसेस कनाडा का काजल, ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट काजल है गाइस। नाउ फटाफट से हम काजल अप्लाई कर लेते हैं। नाउ गाइस हमारा आई मेकअप हो गया डन। अब अगेन हम बढ़ते हैं अपने बेस की तरफ। तो बेस गाइस जब आप फाउंडेशन लगाते हो ना तो आपके फीचर्स जो है वो बहुत ज्यादा हाइड हो जाते हैं। ठीक है तो आपको चाहिए होता है गाइस उस समय कॉन्टोरिंग, तो मैं यहाँ पे क्योंकि बिगनर फ्रेंडली बना रही हूँ तो मैं कॉन्टोरिंग आपको नहीं बता रही हूँ, उसके जगह पे मैं बता रही हूँ गाइस ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर क्या करता है आपको ना एक फीचर दे देता है, देखिए इस पे भी लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है, एक शेप दे देता है गाइस। ठीक है ये एक तरह का शेडो क्रिएट करता है कह लीजिए, जिससे आपके फीचर्स दिखने लगते हैं। तो हम फटाफट से ब्रॉन्जर यूज कर लेंगे गाइस, इसको हम मैं यूज कर रही हूँ अगेन आपके कंसीलर वाले ब्रश से, तो फटाफट से हम अपने फीचर्स को इनहेंस कर लेंगे। देखिए पूरा चेहरा वगैरह ना बहुत ज्यादा मोटा मोटा लगने लगा। अब अगर आपका चेहरा बहुत ज्यादा भारी है लाइक मी, मुझे कॉन्टोरिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, तो गाइस आपको कॉन्टोर किट रखनी चाहिए जिसमें आपको 2 शेड मिलते हैं, तो उससे आप शेडो क्रिएट करते हैं जिससे आपके फीचर्स इनहेंस लगते हैं और आपका जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा स्लीक लगता है, पतला लगता है। ठीक है तो मैं ब्रॉन्जर यहाँ पे यूज करके आपको बता रही हूँ। सो मैं यहाँ पे बताना भूल गई कि मैंने यहाँ पे ब्रॉन्जर कौन सा लिया है, मैंने यहाँ पे शुगर का लिया है कॉन्टोर दी फोर्स मिनी ब्रॉन्जर। ठीक है तो ये मैंने लिया है और फटाफट से हम करेंगे ब्रॉन्जिंग। देखिए कितना फर्क पड़ता है। जिनका माथा वगैरह बहुत ज्यादा चौड़ा होता है गाइस
वो इसको यहाँ पे यूज करें तो उनका जो माथा है ना वो हल्का लगने लगता है, मतलब छोटा लगने लगता है। पाउडर फॉर्म की जो चीजें होती है ना वो अगर आप बिगनर हैं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो मैं पाउडर फॉर्म की चीजें आपको ज्यादा यूज करके बताती हूँ एज कम्पेयर टू क्रीम फॉर्म, जबकि क्रीम फॉर्म बहुत सेटल हो जाता है। देखिए ये आपका ना वेदर के हिसाब से भी होता है, ठीक है। क्लाइमेट बहुत मैटर करता है कि आपका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो क्रीमी होना चाहिए या कॉम्पैक्ट पाउडर बेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए मेरा यहाँ पे कॉन्टोरिंग भी हो गई है, ठीक है। तो हमने फटाफट से कर लिया कॉन्टोरिंग, बहुत ज्यादा मैंने प्रिसाइज नहीं रखा है गाइस, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा मेकअप नहीं आता ना तो इसलिए मैंने इस तरह से बताया, ठीक है। नाउ गाइस यहाँ पे देखिए चेहरा हमारा स्लीक हो गया जितना हो सकता था ब्रॉन्जिंग से, ठीक है। सो इसके बाद गाइस बारी आती है आपकी ब्लश की, तो मैं यहाँ पे ब्लश यूज कर रही हूँ गाइस बेनिफिट का, ये मुझे बहुत पसंद है। और देखिए मैं बहुत नेचुरल ब्लश आपको लगा के बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्लश यूज कर लेंगे हल्का हल्का, मैं बहुत ज्यादा नहीं लगा रही गाइस, ठीक है। सो हमने गाइस ब्लश भी लगा लिया है, ओके। तो ब्लश लगाने के बाद गाइस मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये वाला पैलेट, ये ना ब्लश एंड हाइलाइटर दोनों का वर्क करता है। तो इसके बाद बारी आती है हाइलाइटिंग की, तो मैं बहुत ज्यादा हाइलाइटिंग नहीं करती हूँ बट फिर भी मैं आपको हाइलाइटिंग बता रही हूँ गाइस। देखिए नोज पे मैं सबसे ज्यादा करती हूँ अपने, क्योंकि डोर पे करती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी लगा लेती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं गाइस, ठीक है, बट मैं हल्का हल्का सा कर लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे करते हुए इस तरह से, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ गाइस, हल्का हल्का बता रही हूँ, क्योंकि देखिए जब आप कमांड हो जाएगा ना आपका मेकअप पे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि कहाँ से क्या चीज करने पे आपके चेहरे पे खिलेगा। देखिए जो मेकअप मेरे चेहरे पे अच्छा लग रहा है ये मैटर ही नहीं करता कि वो चीज आपके चेहरे पे, क्योंकि आपके फीचर्स चेंज होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, बस एक आइडियल टेक्निक होती है वो चीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं लगा रही हूँ, बहुत हल्का हल्का, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शाइनी वाइनी कम पसंद है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। नाउ कुछ लोग यहाँ पर भी बहुत ज्यादा लगाते हैं तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ना पाउडर बेस ही यूज किया, ये बहुत ही ज्यादा हल्का हल्का सा शाइन देता है, मुझे इसकी ये चीज बहुत अच्छी लगती है। मैं कुछ लोगों को देखा है यहाँ पर भी लगाते बट मैं वहां नहीं लगा रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गाइस अब हमारा जो बेस था गाइस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब आप चाहिए तो फाउंडेशन के बाद गाइस आपको ऐसा अगर लगता है कि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली सी लग रही है तो आप बनाना पाउडर यूज कीजिए, ठीक है। बनाना पाउडर क्या करता है, सारी चीजों को इवन कर देता है। तो आप कोई सा बनाना पाउडर यूज कर लीजिए या आप हल्का हल्का सा कॉम्पैक्ट यूज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं कॉम्पैक्ट यूज करूंगी ब्रश से, बहुत हल्का सा, सारी चीजों को सिर्फ सटल करने के लिए, ठीक है। तो लास्ट फेज में कॉम्पैक्ट यूज कर लेते हैं हम ब्रश से, ओके। तो गाइज हमने एक पाउडर ब्रश लिया है एंड बनाना पाउडर से भी ज्यादा अच्छा वर्क करता है गाइज वेट एंड वाइल्ड का ये कॉन्टोर पैलेट है। इसमें जो ये वाला पाउडर है ना ये बहुत अच्छे से, बहुत मल्टीपर्पज है, इवन पैन को मैंने हिट कर दिया है, इसे आप समझ सकते हैं। और देखिए एक्सेस प्रोडक्ट हमेशा आपको डस्ट ऑफ करना होता है। नाउ अब बहुत हल्के से हर एक चीज को सेट कर लेंगे, ये एक तरह से गाइज आपका ना डस्ट ऑफ होता है। देखिए पहले हम लगाएंगे हर एक जगह पे और ये पाउडर, उसके बाद आपको डस्ट ऑफ ही करना होता है। सो गाइज हमने अप्लाई कर लिया, नाउ अब हम करेंगे डस्ट ऑफ। तो हर एक चीज को हल्का हल्का सा, ये नहीं रगड़ना नहीं है इसमें, बस सिंपली गाइज आपको इस तरह से हर एक चीज को डस्ट ऑफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेकअप का पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है बट ये जो आपने यहाँ इतनी दूर पे मेकअप किया है ना इसको सेट करना होता है। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है गाइस लास्ट आइटम जो कि होता है मेकअप फिक्सर। तो मैं यूज करूंगी इसके बाद एक अच्छा सा मेकअप फिक्सर, तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कौन सा मेकअप फिक्सर अवेलेबल है, वो है गाइस ये है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर नेचुरल करके। अब आपको क्या करना है, अपना जो आई मेकअप है उसको हाइड करना है ऐसे, देन आपको इसको स्प्रे करना है। देखिए मेकअप फिक्सर पड़ते ही आपका जो मेकअप है ना वो पूरी तरह से सेट लगने लगता है, ठीक है। इतना मेकअप देखिए बहुत ही परफेक्टली सेट है, ओके। अब इसके बाद गाइस बारी आती है आपके लिपस्टिक पार्ट की, तो आप कोई सी भी लिपस्टिक यूज कर सकते हैं अपने पसंद की। मैं यहाँ पे यूज करूंगी गाइस रेड कलर की।
यहाँ पे गाइस मैंने मिलानी का ये अमोरे लिया है, ये बहुत ही मैजिकल है एंड मैं इसको आपको लगा कर दिखाती हूँ कि ये कितना मैजिकल कलर है। देखिए लिपस्टिक लगते ही ना आपका पूरा चेहरा कितना ज्यादा सटल सा हो जाता है, ये बहुत अमेजिंग कलर भी है। नाउ गाइस अब मैं आपसे मिलती हूँ फाइनल रूप में। सो नाउ गाइज हियर इज माई फाइनल लुक। मैंने हर एक स्टेप को बताने की कोशिश की है गाइज, यहाँ पे मैंने हेयर का पार्ट नहीं रखा है। अगर आपने कभी भी मेकअप ब्रश तक नहीं पकड़ा है तो भी बहुत आसानी से इस मेकअप लुक को आप अचीव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है गाइज तो प्लीज़ इसको दूसरों से ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइज, लव यू।